नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे सिने ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मुझसे और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हाल ही में CBSE ने एक सर्कुलर जारी किया है और उसमें एक बहुत बड़े अपडेट की बात की है। वो अपडेट क्या है, उससे बच्चों को क्या फ़ायदा है या पेरेंट्स को उससे क्या फ़ायदा है, इन सभी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो CBSE का जो अपडेट है वो हमारे लिए कितना उपयोगी रहेगा। लास्ट ईयर CBSE ने एक सर्वे किया था, सर्वे स्टूडेंट्स से भी करवाया था, सर्वे टीचर्स के द्वारा भी हुआ और सर्वे प्रिंसिपल्स के द्वारा भी हुआ। इन सर्वे में जो बातें सामने आई है उन बातों के थ्रू CBSE ने कुछ डिसीजन लिए हैं और वो डिसीजन क्या है इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक रहेगा, वो रहेगा कि 11th और 12th में, यानी जो बच्चे अभी 10th पास आउट हुए हैं उनको इस साल सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट लेते समय आपने देखा कोई बहुत प्रॉब्लम होती है, स्कूल वाले देते नहीं, कभी कभी उनके नंबर कम हो जाते हैं, बहुत सारी इसे झंझट रहती है। लेकिन CBSE ने ये सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, यानी कि अब बच्चों को स्ट्रीम वाला जो कंडीशन थी पहले, साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम, ये जो स्ट्रीम, अब वो स्ट्रीम टोटल ख़त्म कर दी गई। अब ये कोई बच्चा नहीं कह सकता कि मैं साइंस स्ट्रीम का या मैंने साइंस सब्जेक्ट ले रखा है या मैंने मैथ साइंस लिया है या मैंने कॉमर्स लिया है। यह ना जो साइंस, मैथ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये सारे सिस्टम ही CBSE ने ख़त्म कर दिए, यानी अब बच्चों को इन सिस्टम के थ्रू पढ़ाई नहीं करना है। बच्चों को जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगे वही उसको पढ़ना है। सपोज करिए आप पहले आर्ट्स लेना चाह रहे थे, ऐसा मान लेते हैं कि आप आर्ट्स लेना चाह रहे थे लेकिन आपको मैथ अच्छा लगता है, तो आप सोच रहे मैंने आर्ट्स ले लिया मैं अब मैथ्स कैसे लूँ, या आपको फिजिक्स अच्छा लगता है लेकिन बाकी सब्जेक्ट आपको अच्छे नहीं लगते हैं, तो आपने आर्ट्स तो ले लिया लेकिन आप फिजिक्स नहीं ले सकते। लेकिन अब ऐसा कर सकते हो, आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जो स्कूल में जितने सब्जेक्ट अवेलेबल है उनमें से कोई भी 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। बस एक कंडीशन है कि इसमें जो इंग्लिश या हिंदी है उनमें से आपको एक लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो 4 सब्जेक्ट बचते हैं, यानी कि लैंग्वेज के अलावा जो 4 सब्जेक्ट बचते हैं उनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई से भी 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। कितना अच्छा रहेगा कि बच्चे को जो सब्जेक्ट पसंद है उसी को वो पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने मैथ साइंस ले लिया लेकिन मुझे केमिस्ट्री तो आती नहीं है, या मुझे केमिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी मुझे जबरन केमिस्ट्री पढ़ना पड़ रही थी क्योंकि वो एक स्ट्रीम का हिस्सा थी। लेकिन अब स्ट्रीम ही नहीं रहेगी तो उसके हिस्से का तो कोई बात ही नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि ये इतनी बड़ी बात है, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए मैं आपको ऐसा करता हूँ कि CBSE के से जो एक सर्कुलर आया है और उसमें जो पॉइंट्स दिए हैं उन पॉइंट्स को आपको दिखाता हूँ, आप उससे पता कर सकते हो अगर मेरी बात है कि नहीं, तो उस पर पता कर सकते हो, या फिर जो उनकी वेबसाइट है www.cbse.nic.in इस पर भी जाकर आप इसको पता कर सकते हो। वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इस पर से ही आप अपने आप को संतोष कर सकते हो। देखिए, चलिए जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा था वो ये रहा। तो इसमें लिखा है व्हाट इज़ न्यू इन CBSE। तो ये देखिए आप, 29 अप्रैल का है ये, 29 अप्रैल 2019 का, यानी कि एग्ज़ाम के बाद का है ये। इसमें लिखा है, आपको बाकायदा मिल जाएगा, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ द मेजर डिसीजंस दैट आर बीइंग कन्वेड टू यू इन द होप दैट यू विल लाइक टू मॉनिटर द प्रोसेस ऑफ योर चाइल्ड इन ईच ऑफ दिस एरियाज। इनमें बहुत सारे एरियाज हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम आपको बता रहे हैं जो हमारे काम का है। हमारे काम का कौन सा है, इसमें आप देखेंगे यह है 5th नंबर का, इसमें लिखा है क्लास 11th एंड 12th। तो द बोर्ड हैज़ एडेड ओनली 1 सब्जेक्ट अमंगस्ट 5 इन क्लास 12, दैट इज लैंग्वेज विच मे बी आइदर इंग्लिश और हिंदी। फॉर द रेस्ट ऑफ द 4 सब्जेक्ट द चाइल्ड इज फ्री टू चूज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट प्रोवाइडेड इट इज अवेलेबल एट द स्कूल। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ लिखा है साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, सब पे क्रॉस लगा। इट इज क्लियर दैट द बोर्ड डज नॉट हैव एनी सिस्टम ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ स्टडी। स्ट्रीम आर मेड बाय स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ द सब्जेक्ट्स बींग टॉट देयर। देयरफॉर वाइल चूजिंग द कॉम्बिनेशन डू गाइड योर चाइल्ड कीपिंग एप्टीट्यूड इंटरेस्ट इन इंक्लिनेशन एंड फर्दर स्टडीज इन माइंड। तो ये था वो अपडेट जो कि CBSE की तरफ से आया है। आप समझ गए होंगे
कि इस ये अपडेट क्या कहना चाहता है। मैंने वैसे आपको पहले से ही पूरी बातें इस पे क्लियर कर दी है, ये केवल मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको इस पे यकीन हो, विश्वास हो। तो कैसा लगा आपको वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।